गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का वर्क इंग्लिश में कल हमने किया था एम एन ओ पी फॉर अल्फ़ाबेट। अब हम आज करेंगे क्यू आर एस टी पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी। वही सेम आगे के फोर अल्फ़ाबेट दिए गए हैं क्यू आर एस टी, यानी फोर दिए गए हैं। जैसे कल भी फोर करवाए थे वैसे आज फोर हैं आगे के। क्यू क्यू ऐसे बनेगा फोर लाइनिंग में, मैंने लाइन बनाई है फोर लाइनिंग के बीच में। ये कैसे बनता है तो ये थ्री लाइन में आता है सिर्फ आर एस थ्री लाइन में, वही टी थ्री लाइन में। इस तरह से मैं इस तरह से इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपको कौन सी लाइन में लिखना है। कई बच्चे गलत लिख रहे हैं, मेरे पास होमवर्क की व्हाट्सअप जो आ रही है उसमें पता लग रहा है कि बच्चे कई हैं जो गलत लिख रहे हैं, गलत लाइनों में लिख रहे हैं। इसलिए सही लाइन में लिखे तभी पता लगे कौन सी लाइन में लिखा जाएगा। इंग्लिश की नोटबुक में अच्छे से लिखें, यही क्लास वर्क है, यही होमवर्क। पूरा एक पेज लिखना है क्लास वर्क में, पूरा एक पेज होमवर्क में, क्यू आर एस टी फोर अल्फ़ाबेट। अब हम करेंगे हिंदी का वर्क। हिंदी में कल हमने क ख ग किया था, क ख ग सिर्फ तीन, ये क ख ग ये सिर्फ तीन किए थे। आज हम क ख से लेके ड़ तक करेंगे, क ख ग घ ड़। तो लिखते हैं हम ये क से, फाइव लाइन में देख लीजिए कैसे लिखना है। क कबूतर, बीच की लाइनों में ख खरगोश। आज हमने वही तीन में आगे दो मिला के पूरी लाइन कर दी है। ग गमला, घ घर, अड़ खाली, क ख ग घड़। तो यही हमको पूरे पेज पे लिखना है क्लास वर्क में और यही होमवर्क में। और इसी तरीके से साफ साफ कितनी लाइनों में लिखा मैंने और कहाँ लिखा है ये आपको ध्यान से देखना है। इस लाइन से बाहर नहीं निकालना है नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो व्यंजन हमें फाइव करने हैं, क से लेकर ड़ तक, क्लास वर्क में भी होमवर्क में भी साफ साफ लिखना है। अब हम करेंगे मैथ का वर्क। मैथ्स में आगे करेंगे काउंटिंग। कल हमें 21 से 30 तक की काउंटिंग की थी, आज हम 21 वाली लाइन दोबारा से लिखेंगे और 31 वाली लाइन भी लिखेंगे साथ में, यानी 31 से 40 ये आगे करेंगे। और 21 वाली तो कल की है ही लाइन, वही भी वो लाइन भी साथ में लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 21 टू 40 काउंटिंग। 21 आपको इसी के आगे एक और लाइन, अगर जितनी एक लाइन दो लाइन जितनी लाइन है वहाँ पे लिख सकते हैं, और हाफ पेज पे अगले पेज पे भी कर सकते हैं 31 वाली लाइन, नहीं तो इसी पेज पे दोनों लाइन लिख के और दोबारा से इनको फिर से लिख सकते हैं। काफ़ी लाइन्स बचेंगी इनके बीच में, यहाँ पे ये दो बार आ जाएगी और ये भी यहाँ पे दो बार आ जाएगी 31 वाली लाइन। तो 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 29 29 30 30। दोबारा से पढ़ा रही हूँ। 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30। अच्छे से पढ़ना है, पहले आप इसको पढ़ेंगे, मैं पढ़ा रही हूँ उस तरह से पढ़ेंगे और फिर मम्मा आपकी नोट पे एक बार लिख के दे देंगी। अगर आप खुद लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, और फिर उसके बाद आपको उसको दोबारा से लिखना है। नेक्स्ट लाइन है 31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 38, 39 39, 40 40। तो यहाँ पे आपकी जगह बचेगी पेज पे, तो आप इसको दो बार टू टाइम्स यहाँ पे लिख सकते हैं और 21 वाली लाइन को टू टाइम्स इधर लिख सकते हैं। तो अच्छे से हम करेंगे। ओके बाय, सी यू टुमारो।